हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करुच्छे समस्ते भल ओ एंट्रान्स एक्जाम प्रिपेरेसन जोरसोर चलें। आज आम गोटे मैथ्स नुआ प्राक्ट सीरीज स्टार्ट करवा, जो थे कि आम मेनली फोकस करवा तुम सी एच टी रो प्रिलिम आउ जो के भी एस रिआर टी रेक सब मैथ पार्ट अच्छी धीरे धीरे सब कभर करने। अल्दो एगुड़ा तुम एवरेज जिते सब बेसिक जिनस गुड़ा एगुड़ा तुम ओटीईटी भी हेल्पफुल रोक। आगुरी तुम जिते सब क्लासेस कम्प्लीट हो जाइए तार गोटे मुझे टोटाल प्ले लिस्ट बनई, जो मैंने भी से क्लास गुड़ाक कम्प्लीट करना जल्दी कम्प्लीट कर दिव। तो चलो डेरी न करके आज डिस्कसन स्टार्ट करवा। आज कौन चाहिए तुम एवरेज, तो देख फर्स्ट मत कह एवरेज कहले कौन। एवरेज कहले कौन, आम कौन से धर जो तुमको दीटा संख्या देखिए कि दीटा अधिक संख्या देखिए तार आम एवरेज कमी बाहर करवा। एवरेज आम कौन बाहर कर सिंपल फॉर्मूला कौन ना, तुम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मुझे लिखी दूसरी देख एवरेज ऑफ डेफिनेशन टा टिके जस्ट फॉर्मूला गुटा मन रखी दिव। बाकी जितने सब क्वेश्चन हमें बहुत सारा प्राक्ट करवा। आज केवल ओनली 10 क्वेश्चन प्राक्ट करवा, जेहतु तुम आज फर्स्ट क्लास तो तुम धीरे 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 आम धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक अच्छे, एवं देख कौन अच्छे ना तुम एवरेज एवरेज ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड कौन कही था ना मीन। थोड़े थोड़े कौन ना एवरेज पचार बदल से कौन थोड़े थोड़े मीन पचार दे था। तो जो को भी गोटे तुम नंबर एवरेज काढ़िया थी एवरेज फॉर्मूला कौन एवरेज विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय कौन ना तुम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, धीरे धीरे आम कौन एवं देखो तुम मैथ चलती से भाया तुम कंप्यूटर रिजनिंग सब क्लास धीरे धीरे आसो। तो तुम द्वारा जो कहीं भी तुम जना चिन्ह कहीं भी सी एच टी पाइव कि प्रिपेयर हो तेज निश्चय चैनल तक सहित सेयार कर सो दैट कौन ना बेनिफिट रोक। ठीक अच्छे, तो एवं देख आम कौन डिस्कसन करना एवरेज। एवरेज कहले कौन तुम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देख या जब मुझे मैथमेटिकली लिखुच तो कौन हो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम कौन ना मुझे धर जाओ मोर एन टा ऑब्जर्वेशन अच्छी। क्लियर, बस ये फॉर्मूलाटा टी मन रखी था या बेस करके क्वेश्चन किसी प्राक्ट करवा। तो देख फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख ए स्टूडेंट्स was asked to find the arithmetic mean of the following 12 number 12 number tole dichi se gura se arithmetic mean kadhiya ko kahaila taku se kon likhai chi next dekho he found the mean to be 12 se mean to se jota find kala se ta kete aslan tar 12 then the value of x3 jo a last jo quantity ta tumara unknown achi ei tar value kete boli se pacharchi ebe tike agaru kon kahili mean kahile kon tumara sum of observation divided by number of observation eta sum of observation kahile kon hela dekho tumara first observation second observation third observation फोर्थ फिफ्थ सिमिलरली तुम ये 12 ऑब्जर्वेशन अच्छी। तो या कौन लिखी पार्टी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने कौन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन सिमिलरली तुम 12 टा जक ऑब्जर्वेशन को ऐड करबी 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 8 डिवाइडेड बाय कौन थी तुम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एम कतटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अच्छे। देखो ऑलरेडी तुम मेंशन कराई के 12 तो कौन ना डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू तुम मीन आसा कथा मीन रीन से फाइंड के ना विच इज इक्वल्स टू 12। क्लियर, ये आराम से तुम एक्स रैल्यू फाइंड कर दे पार। तो कौन हो गला दैट इम्प्लाइज दिस विल बी इक्वल्स टू 137 प्लस एक्स इक्वल्स टू 144 that implies x equals to 144 minus 137 ধর তোমার কত মাইনাস করলে আসবে কত না 7 সো কোটি হচ্ছে দেখো সো অপশন নাম্বার 2 ইজ দা करेक्ट आंसर x ৰ ভ্যালু কত আসবে না 7। ক্লিয়ার, এই টাইপস ৰ কোৱেশ্চন আসিব বস তোমাকো ক্যালকুলেশন স্পিড কৰিয়ৰ আছে প্ৰিলিম ৰ বেছি কিছি বি কষ্ট কোৱেশ্চন আসিব নি কি তোমাৰ কেভি ৰ পিআৰটি ৰ কষ্ট কোৱেশ্চন আছে নাই বস টিকে ভুলেব কি কোৱেশ্চন পচৰিব আৰু কিছি বি নাই তোমাৰ অপ টু মানে
मैक्स टू मैक्स तो मेंशन कर दीजिए 10th जे क्वेश्चन आसीबो तो अप टू से 10th भीतर से सब टाइप्स रो क्वेश्चन हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करबा ठीक अछि। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन लिखाइ छी देखो क्वेश्चन नंबर 2 द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय ऑब्टेंड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 58 एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स इट वाज 68 द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 70 स्टूडेंट। से कौन कही ची एवरेज मार्क कहार आठटा स्टूडेंट रो एवरेज मार्क जदि तुम्हारा 51 अच्छे और 9टा स्टूडेंट रो एवरेज मार्क अच्छे 68 एंड टोटल जो 17टा स्टूडेंट रो एवरेज मार्क केते होबो बोली पचार छी। तो 17टा स्टूडेंट रो एवरेज मार्क पई हमको कोन कोन डाटा दरकार, हमको डाटा दरकार अच्छे टोटल नंबर से 17टा पिला केते रखी छथि आ कोन ना एनटा तो ऑलरेडी 17 अच्छे। तो एठी एबे देखो जदि आठटा पिला रो मार्क जदि तारो एवरेज मार्क होची 51 तो तारो टोटल मार्क केते हि जीवो तो देखो तारो टोटल मार्क ऑफ 8 स्टूडेंट्स केते हि जीवो तमरो। तो देखो हमें एवरेज मार्क पार करचो माने कोन तमरो टोटल मार्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल्स टू तमरो एठी केते आ जीवो एवरेज क्लियर। तो ये देखो तुमको टोटल मार्क काढ़िया रची नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दी ची एवरेज दे दी ची जो दी नंबर ऑफ स्टूडेंट को मुझे एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल मार्क आ जीवो। तो देखो टोटल मार्क ऑफ 8 स्टूडेंट कितने ही गला ना 8 इनटू 51 क्लियर। तो याकु तुम्हारा मल्टीप्लाई कर ले कितने आ जीवो ना तुम्हारा 408 क्लियर। सिमिलरली टोटल मार्क ऑफ 9 स्टूडेंट्स कितने ही जीवो 9 स्टूडेंट्स केते आ जीवो तमरो दिस विल बी 9 इनटू 68 व्हिच इज इक्वल्स टू तमरो कते ना 612 क्लियर। तो एबे देखो तमरो कोन दरकार ना एवरेज मार्क ऑफ 17 स्टूडेंट एवरेज मार्क ऑफ 17 स्टूडेंट्स। तो एवरेज मार्क ऑफ 17 स्टूडेंट्स माने कोन तमरो टोटल मार्क of 17 students divided by tomar kon number of students kete achi 17 clear। total marks of 17 student kete hi dekho first atta chhuara mark hela 408 au second au jo 9ta chhuara mark hela 612 tanga total mark kete hi gala 408 plus 612 divided by kete na 17 दिस विल गिव्स यू याकु तुम जदी सॉल्व करबो केते जइबो ना 1020 डिवाइडेड बाय 17 व्हिच इज इक्वल्स टू 60 कोठी अछि देखो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्लियर। आई होप समस्तनको क्वेश्चन रो अप्रोच केमती आंसर रो अप्रोच रहूची समस्त बुझा पडला। चल एबे आउ गुट क्वेश्चन करिया कोन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 3 कोन अछि इफ द एवरेज मार्क ऑफ 3 batches of 55, 66 and 45 students respectively each 50, 55 and 60 then the average mark of all students केते ही जुवा बोली से पचार छी। तो देखो एरे को कर दे पारिबो सेम टाइप्स रो क्वेश्चन टे केते हबो मते समस्ते कमेंट सेक्शन रे लिखी की जणिबो एटा हला तमन को पाई होमवर्क क्वेश्चन क्लियर। चल नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छै देखो द एवरेज मार्क एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स is 20 next kono chhe dekho the average of other 20 results is 30 then the average of all results kete hobo boli se pochari chhi। to dekho ei sabu question gura ro chronology ku dekhile tume gote ethu aram se gote mane rules koi para chalo gote points re mark kari ke rakho mane lata if the ethi dekho di ta achi previous re tin ta thila asanti gote gote calculate kare pe bahut time lagibo to bas ei formula ta mon rakhi ditho kon na if the average of n1 number is a1 and the average of n2 number is ketena tomaro a2 then the average of kona total number n1 and n2
एटा जीवो ना सिंपली मन रखी दाओ एन टू इज एन वन एटी ओके एटी लिख दूछी मु एवरेज एवरेज विल बी इक्वल्स टू केते आसीबो ना एन वन ए वन प्लस एन टू ए टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मूला रे पुट कर दबो आंसर आसी जीवो अदरवाइज इंडिविजुअल कैलकुलेट करिया को जदी तमर कैलकुलेशन स्पीड अछि इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके भी करबार किछ आवश्यकता नै फार्मूला मन रखे क्लियर बुझा पड़ला समस्त को देखो एबे याको फार्मूला रे अप्लाई करिया कोन अछि ता एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स केते ना 20 द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स केते अछि ना 30 तो एवरेज ऑफ टोटल तमर 50 रिजल्ट्स रो केते होबो बोली पछि छि तरे कले कते पढ़ि जीवो ना 20 × 30 + 30 × 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 क्लियर तो या को कले केते हि जेबो तमरो दिस विल बी 1200 डिवाइडेड बाय 50 व्हिच इज इक्वल्स टू 24 डायरेक्ट आंसर आसी गला सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर बुझा पडला ना समस्तन को काहे किछि प्रॉब्लम नाही चलो एबे मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 केजी दैट of two students is 51 kg and that of two other students is 55 kg then the average weight of all students sabu student ro pachachi simply tumhe je chaho cha formula re pokai karibo otherwise tumhe traditional method re bhi chahile kar paribo so jo question number 5 ta taman ko pai homework rahila samasto mate comment section re likhi ki janibo je tumhe question number 5 ro answer kete asila clear chal ebe next question question number 6 kon dichi dekho The average of n number is 7. If each number is multiplied by 12, then the average of new set of number. जे कौन कोई चीना? तो तुमको 200 डा नंबर दे ची. से 200 डा नंबर रो. तर जब तुमने तुम्हें average करुँ चो, average टा सोचे 7. जोधी each number रे तुम्हें 12 multiply करुँ चो, तबे जो नया नंबर टा सी वो, तारो average कर ले कितने ऐसे वो बोली से कुछ पचरची तो देखो सिंपली एठे गोडे तमे प्रॉपर्टी ने मन रखि थाओ एठे लिखि दउ छी देखो इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय और ना बाय ए सर्टेन नंबर देन कोन ना देन एवरेज इज then average is also multiplied by that number clear ta mane kon hela jodi o bhi tumko gote number ta dechi thare jo eta gote number x1 + x2 + x3 नंबर अछि तार जदि मु एवरेज काढू छी ओ भी गोटे लेट सपोज तमर आसु छी y1 क्लियर जदि मु सबु नंबर गुडा रे ओ भी गोटे सर्टेन नंबर टे मल्टीप्लाई करू छी लेट सपोज मु गोटे कांस्टेंट टे मल्टीप्लाई करू छी k तो कोन ना kx1 + kx2 + kx3 डिवाइडेड बाय 3 ही करबी 3 कले कोन ना तार मीन टा ऑटोमेटिकली कोन आसीबो ना ky1 बुझा पड़ला ना समस्त को तो एबे देखो तमरो रिक्वायर्ड एवरेज केते हि जीवो रिक्वायर्ड एवरेज केते आसला ना तमरो दिस विल बी इक्वल्स टू 12 × केते ना तमरो तमरो केते हि जीवो ना 7 क्लियर व्हिच इज इक्वल्स टू 84 कोड हि देखो सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर नि जदि तमे प्रॉपर्टी ते जानि थबो ना तमको 30 मिनट्स लाइक माने तमे आराम से ताको सॉल्व करबो नहले क्वेश्चन माने पढला को ही माने केते डिफिकल्ट लाग जो माने जरे जो तमे जानि नथिबो ए प्रॉपर्टी ता तो कोन डिफिकल्ट लागबो तो बस ए टिके टिके छोटो छोटो जिंस गुडा को टिके मन रखिया को चेष्टा करो ठीक अछि चलो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो द एवरेज इनकम ऑफ 4 पर्सन इज 4200 एंड दैट ऑफ 35 पर्सन इज 4000 नेक्स्ट कोन लिखाय छै द एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप रो एवरेज इनकम केते होबो बोली तो सिंपली या को मु डायरेक्ट फार्मूला रे पुट कर दउ छी तो कोन जेबो दिस विल बी इक्वल्स टू 40 × 4200 प्लस तब नेक्स्ट कोन आसले ना 35 × 4000 क्लियर डिवाइडेड बाय केते हि जेबो ना तमरो 40 +
35 क्लियर याकु जदी तमे सिंपलीफाई कर देबो कते आसी माने 308000 डिवाइडेड बाय 75 व्हिच इज इक्वल्स टू 4106 होल 2/3 क्लियर बुझा पड़ला समस्तंकु बस कैलकुलेशन करियर अछि आउ किछि भी नहीं मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छै देखो द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्संस सिटिंग इन ए बोट इज 38 केजी नेक्स्ट कोन लिखै छै देखो द एवरेज वेट ऑफ बोट एंड कारण बोट रो एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 केजी देन हमकु से बोट रो वेट पचै छै तो देखो या को ओडियर कह दो छी से क्वेश्चन तुमको गिवन कोन छै ना पांचटा जो पर्सन रो पांचटा जो मानिस बसछंती तांकर जदी मो एवरेज वेट काटु छी तो तांकर एवरेज वेट आसीबो 38 और जदी से पांचटा मानिस सहित बोट रो भी वेट को ऐड करकी देन तारो एवरेज काटु छी देन सेट आसछि ना केते 52 केजी तो से क्वेश्चन ने पचा छी बोट रो वेट केते होबो बोली तो एबे देखो जदी पांचटा मानिस रो एवरेज वेट 38 हुए तो तारो टोटल वेट केते हि जबो टोटल weight of the portions kete asjibo of the portion jete loko uda bosenti tankar total weight kete hijibo 38 into 5 clear to yaku kale kete asjibo tomaro 190 thik achi to ebe dekho total 5 ta monisho sohito plus boat ko bhi misa hela okay बोट को मिसाले लेट सपोज तो टोटल तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स केते हे गले दिस विल बी इक्वल्स टू 6 6 तरो से एवरेज वेट केते दे छि ना 52 केजी तो तार टोटल वेट बोट सहित मिसाई देले केते हि जीवो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 इनटू केते असले ना तुम्हारा 52 व्हिच इज इक्वल्स टू 312 ओके तो एबे देखो एबे आराम से तुम्हें बोट रो वेट काढ़ दे परबो देयरफॉर बोट वेट ऑफ बोट therefore weight of the boat kete asjibo na tomara 312 minus 190 which is equals to yaku subtract kore asibo 122 kg clear so question number 8 ro option number 2 will be the correct answer bujha padla na samastanku kahari kichhi bhi confusion nahi ethire chalo now moving to next question question number 9 college dekho the average mark of 32 boys of a section A of class 10 is 60 whereas the average mark of 40 boys of section B of class 10 is 33 next kon likha hai dekho the average mark of both the section combined together jodi dui ta section ko combined together kole tebe kete hi jibo to dekho simply mu formula re put ko dou chi kon hi jibo la na 32 into 60 plus 40 into 33 divided by 40 plus 33 तो या सल्व कले 45 के जी सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर बुझा पड़ा ना समस्त को कहार किसी कन्फ्यूजन ना आज लास्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख टोटल वीकली एनोमोलेंट्स ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री इज 1534 नेक्स्ट कौन लिखा है देखो द एवरेज वीकली एनोमोलेंट्स एनोमोलेमेंट ऑफ ए वर्कर इज 1800 कौन लिखा है देख द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री केते बोली पचार देखो तो कौन दी से वीकली एमोलोमेंट्स ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री केते दे दी छी ना 1500 टका आ कोन ना तंकर एवरेज दे दी छी तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स केते हि जबो नंबर ऑफ वर्कर्स केते असला वर्कर्स विल बी केते हि जबो टोटल 1534 डिवाइडेड बाय 118 तो जे तुम सॉल्व कर केते जबो ना 13 सहज एटे सो क्वेश्चन नंबर 10 नो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अछि एठी आज तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हला यार डिटेल तोर आंसर रिटेन पीडीएफ ता हमर टेलीग्राम ग्रुप रे तमने पाइ जिवो आ प्रैक्टिस पाइ भी मु आ किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखि दै छी सेउडा को ऑल्दो काली आउथरे डिस्कशन करबा सब उडा को किछि टेंशन नबा नै
जो मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप रे ना हो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्ट वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे पाई जिवो आशा करछि आज रो क्लास टी समस्त को भल लागि थिवो तो जहां भी पढ़ाई थिवो समस्त बुझ पाइ थिवो ओ तमान को पाई निश्चय एटा हेल्पफुल हे रहि थिवो तबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबा सो संग मान को सहित शेयर करबो और लाइक टे मध्ये करबो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।